हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संचिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है हेयर ग्रोथ को लेकर। तो अगर आप सबसे जल्दी अपने बालों को ग्रो करना चाहते हैं, बालों को थिक बनाना चाहते हैं, बालों को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको टू स्टेप एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट दिखाऊंगी, जिसमें एक एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल और एक एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ पैक बनाना मैं आपको दिखाऊंगी, जो आपको बस 30 डेज यानी कि 1 मंथ तक फॉलो करना होगा। और 1 मंथ बाद आप देखेंगे आपके छोटे और पतले बाल कितना लंबे हो चुका है और कितना घने भी हो चुका है। और आपके बालों को लेकर जो सारी परेशानियां हैं, जैसे कि हेयर फॉल, जैसे कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम, वो सारे बस गायब हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो देखने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को अभी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके फोन में एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरे सारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे, किसी भी वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो हमारा टू स्टेप एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल। तो इस ऑयल को बनाने के लिए हमें लेना है बालों के ग्रोथ के लिए दो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, जो है फेनोग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना और ब्लैक क्यूमिन सीड्स यानी कि कलौंजी। तो मैं सबसे पहले 3 टेबलस्पून मेथी और 3 टेबलस्पून कलौंजी लेकर उसे अलग अलग करके पीस कर उसका पाउडर बना लूंगी। तो जब दोनों का पाउडर बन जाए तब मैं एक कांच के बॉटल में 50 ml कैस्टर ऑयल और 50 ml एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ले लूंगी। फिर मैं इसमें एक एक करके मेथी का पाउडर और कलौंजी का पाउडर डाल दूंगी और लास्ट में 10-15 ड्रॉप्स रोज मेरी एसेंशियल ऑयल डालकर बॉटल को एयर टाइट करके अच्छे से शेक कर लूंगी, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्स हो जाने के बाद हमारा सबसे बेस्ट होममेड एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल रेडी हो जाएगा और आप इस ऑयल को रूम टेम्परेचर में 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस ऑयल का बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हफ्ते में 2-3 बार रात को सोने से पहले इस ऑयल को बालों के स्कैल्प पर अप्लाई करके 10-15 मिनट तक बालों के स्कैल्प को अच्छे से मसाज कीजिए और फिर इसे ओवरनाइट तक रहने दीजिए। और सुबह उठकर आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लीजिए और इस प्रोसेस को ऐसे हफ्ते में 2-3 बार करके आप 1 मंथ तक कंटिन्यू अप्लाई करते रहिए। और मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ, 1 मंथ बाद आपके बाल काफी लंबा हो जाएगा, काफी घना दिखेगा और आपके बाल बहुत खूबसूरत, हेल्दी, सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी भी हो जाएगा। तो अब मैं इस 30 डेज ट्रीटमेंट का दूसरा स्टेप आपको दिखाती हूँ, जो है एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ पैक। तो इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 फ्रेश एलोवेरा के पत्ते लेकर उसे अच्छे से वॉश करके उसका जेल निकाल लीजिए और फिर इस एलोवेरा जेल को ब्लेंड करके उसे एक बोल में ले लीजिए। अब इसमें ऐड कर दीजिए 2 टेबलस्पून फेनोग्रीक सीड पाउडर यानी कि मेथी दाने का पाउडर, 2 टेबलस्पून ब्लैक क्यूमिन सीड्स यानी कि कलौंजी का पाउडर, 2 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही, 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और 3-4 विटामिन ई कैप्सूल और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो हमारा एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ पैक रेडी हो गया है और इसे अप्लाई करने के लिए आप इस हेयर पैक को लेकर अपने हेयर स्कैल्प से लेकर पूरे हेयर के लेंथ तक अप्लाई कर लीजिए और इसे अप्लाई करके 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और 1 घंटे बाद आप सबसे पहले अपने बालों को हल्का गर्म पानी से धोकर क्लीन कर लीजिए और फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर से बालों को वॉश कर लीजिए। तो ये जो मैं 2 हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट आपको दिखाया, वो आपको 1 महीने तक कंटिन्यू फॉलो करना होगा और तब जाकर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हेयर ऑयलिंग आपको हफ्ते में 2-3 बार करना है और हेयर पैक आप हफ्ते में 1 बार अप्लाई कीजिए और 1 महीने बाद आपको अपने बालों में इतने अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिलेगा और स्पेशली आपके बाल इतना लंबे, घने और खूबसूरत बन जाएगा, जो देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 ट्रीटमेंट स्पेशली हेयर ग्रोथ के लिए अमेजिंग है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, इसे आप जरूर घर पर ट्राई करेंगे और इसको ट्राई करने के बाद आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए, मैं संचिता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।